सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की मांग है कि हरियाणा में राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया जाए ताकि लोगों का काम जल्दी और सरलता से हो सके। दुनिया भर में मानी हुई बात है कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन डेमोक्रेसी तभी कामयाब है जब लोग अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझें। ये बात दोनों के लिए एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारे देश में लगभग 60 साल से हमें आज़ादी मिली हुई है, लेकिन अभी तक भी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको ठीक टाइम पे सर्विस नहीं मिल रही है। जो भी सरकार का काम है उसमें डिले हो जाती है। उस डिले की वजह से क्या हो गया है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है। उस करप्शन को दूर करने के लिए मेरे विचार में ये सबसे अच्छा एक्ट बना है कि ठीक टाइम पे जब लोगों को अपना काम होना शुरू हो जाएगा तो उनको किसी को भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देश भर में एक एफिशिएंसी आ जाएगी। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो ये एक्ट चलाया है ये एक किस्म की एक एग्जांपल है। ये सारे देश को, हरियाणा नहीं सिर्फ पूरे देश को भी इसको फॉलो करना चाहिए। और मेरे विचार में हरियाणा एक लीडिंग स्टेट है और जब पंजाब ने ये काम कर लिया है तो हरियाणा को भी ये एक्ट जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि राइट टू सर्विस जो एक्ट बनाया गया है ये है तो वैसे आम आदमी की जो प्रोटेक्शन के लिए है, उसकी सुविधा के लिए है और इसके साथ हर इंसान के लिए जो एक हिंदुस्तान के अंदर रहता है उसका अपने इख्तियारात को किस तरह से उसको वो उसको यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ होते हैं या उसका जो राइट है उसको राइट्स उसको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये उसके लिए बनाया गया। अभी हाल ही में पटना के अपना उधर बिहार के बाद हमारे पंजाब के अंदर भी जो है उसको तुरंत जो है लागू कर दिया गया है। और यहाँ अगर लागू हो गया है तो चूँकि हमारी पंचकूल अपना दूसरा हरियाणा और पंजाब दोनों के दोनों इकट्ठे सांझे होने की वजह से यहाँ के जो लोगों का कल्चर है, रहन सहन है, वो सब कुछ है, उसके हिसाब से जब हम लोग इकट्ठे हैं तो यहाँ की जो मुसीबतें जो हैं या जो परेशानियाँ हैं वो भी एक तरह से वो कोई अलग नहीं है, वो भी एक जैसी ही मिलती जुलती हैं। बल्कि मैं ये कहने में इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं समझता कि हमारे हरियाणा के अंदर अभी इसकी व्यवस्था जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी ज़रूरत जो है इस एक्ट की इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर आज आपको किसी से NOC लेना है, अगर उसको आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है तो 15 दिन के अंदर तो आपकी एप्लीकेशन नहीं खिंच सकती, फिर उसके लिए क्या करेंगे। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस है या कुछ और चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अगर आपने रिन्यू कराना है या नया बनवाना है या RCs बनवानी है या किसी ने आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लेने हैं या ऐसी कुछ भी चीज़ करनी है, उनके लिए जो टाइम निर्धारित किया है गवर्नमेंट ने 10 दिन, 5 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी किया है, वो सारे का सारा जो है वो धरे का धरा कई जगह पर रह जाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी एक एप्लीकेशन जो 15 दिन के अंदर काम होना चाहिए था उनको 2-2 महीने के अंदर, 3-3 महीने के अंदर वो काम नहीं होता है। अगर उनके पास ये राइट टू अपना जो हमारा एक्ट है ये वाला अधिकार का अधिकारित नियम जो है हमारा अगर ये लागू हो जाता है तो उससे हमें इतना तो होगा ना कि आम आदमी चाहे मैं या आप जो भी हैं जिनकी हमारी पहुँच नहीं भी है वो कम से कम वहाँ उसके ऊपर पहुँच करके तो वो उसका अधिकार का फ़ायदा तो उठा सकते हैं ना। तो इसलिए ये हमारा राइट टू सर्विस एक्ट जो है पंचकूला, और मैं पंचकूला बार बार गलती से बोल रहा हूँ, हरियाणा के अंदर जो है इसका होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके साथ हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे अपने जाति जो दिमाग के हिसाब से जो बात कर रहा हूँ या जाति विचारों से बात कर रहा हूँ वो ये है कि इसका करप्शन के ऊपर भी जो है सबसे बड़ा जो है वो रोक लगेगी। करप्शन जो इतनी इस वक्त इतनी हुई है, जो पीछे कोई RC आपकी बनवा देते बनी हुई होती है, वो कहता बाबू कहता है जी हमने पैसे लेने हैं, वो पैसे लेता है और ऐड करके उनको दे देता है। तो इन चीज़ों से सब चीज़ों से रोकथाम जो है इसमें होएगी और जो बीच के जो मिडिल मैन जो हैं बीच में और जो एजेंट्स पैदा हुए पड़े हैं या उसकी उस एजेंट्स की वजह से जो भी आगे जो विपत्तियाँ पैदा होती हैं उनके ऊपर सारी रोकथाम लगेगी और ऐसा मेरा विश्वास है कि इसके आने से ठीक हो जाएगा। जाने से पहले मुख्य गतिविधियों पर नजर एक बार फिर से। पंचकुला में 2 दिवसीय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का आयोजन, लोगों में देखने को मिला उत्साह। डाइट के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे हजारों उम्मीदवार, देखने को मिला सुविधाओं का अभाव।
और ट्रेजडी में निकला नगर कीर्तन, सड़कों पर देखने को मिली श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जशी राठौर के साथ दिन भर की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।